माल देने जाने में ना नानी याद आ गई मुझे बहुत ज्यादा। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका बिस्नुदी व्लॉग्स के अंदर। सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग गाइस। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि अभी जो है मैं घर से निकला हूँ किसी को माल देने के लिए, और एक्चुअली काफ़ी दूर जाना था, पहले बारिश का मौसम था इसलिए मैं गाड़ी में निकला हूँ, नहीं तो मैं स्कूटी में भी दे आता। तो पीछे आप देख सकते हो ये पड़ा हुआ है लिफाफा उनका देने वाला। तो गाइस अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि इस जगह में कभी मैंने इतनी ज़्यादा ट्रैफिक देखी नहीं है। तो आपको दिखाता हूँ मैं, तो ये देख सकते हो बहुत बड़ा जाम लगा हुआ, आई डोंट नो वाई बट लगा हुआ है जाम और समझ में नहीं आ रहा क्यों। तो बस अभी यहीं पे स्टक हुआ पड़ा हुआ हूँ, चल रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, बट काफ़ी ज़्यादा लंबा जाम है आई थिंक। तो बाकी का सीन ऐसा है गाइस कि अभी जो टाइम हो रहा है वो 2:30 बज चुके हैं, और आप गाइस सपोर्ट दो यार, सपोर्ट मुझे समझ नहीं आ रहा अगर मेरे व्लॉग्स में कमी आ रही, क्योंकि देखो सच बोलूंगा कि मतलब कोई कमी हो ना तो आप मुझे बताओ कि उस चीज़ को मैं ठीक करूंगा। मैं ये नहीं कहता मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ इस चीज़ के लिए, कुछ नहीं है, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, बट अगर कोई भी कमी है आप मुझे बता सकते हो तो मैं आप लोगों को मतलब बोलूंगा कि उस चीज़ पे मैं काम करूंगा पक्का। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्लीज़। मुझे लग रहा है कोई मिनिस्टर वगैरह या कोई VIP आया होगा, उसके चक्कर में इन्होंने सारी की सारी रोड्स ब्लॉक कर दी हैं और उल्टा चल रहा है कुछ, मतलब जो जाने वाला रास्ता है वहाँ से लोग आ रहे हैं, पुलिस वहाँ पर खड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। बट आई थिंक कुछ ऐसा ही सीन है कि कोई VIP आया हुआ है तो उसी की मतलब यहाँ पर हमारे जम्मू शहर में जो है उन्हीं की खिदमत में लगी है हमारी JK पुलिस, और वो वहाँ पे जा रही हैं गाड़ियाँ जो VIP आया ना, वो देखो ये जा रही हैं गाड़ियाँ, देख रहे हो ये पूरा का पूरा ये पुलिस खड़ी है, पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है तो उनके लिए ही सब कुछ ब्लॉक किया। मतलब ये जम्मू में नहीं है, ये इंडिया के अंदर ही ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कि मतलब कोई VIP आ जाए तो बाकी दुनिया को मतलब आप साइड कर दो। अच्छा तो मैं कह रहा बीच में कॉल आ गया था इसीलिए, बीच में कह रहा था कि यहाँ पर सीन ऐसा है हमारे इंडिया के अंदर कि जब कोई VIP आ जाता ना तो ये बाकी दुनिया को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। तो गाइस 2:20 में घर से निकला था, पार्किंग से निकला था अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट बाद, और अभी 3 बजने वाले और मैं अभी तक यहीं पर ट्रैफिक में फंसा हूँ और मुझे जाना छन्नी, खुद सोचो आप ये हाल है हमारा। घर से निकला था 2:20 में छन्नी जाने के लिए, टाइम हो गया 3:15 और अभी मैं सिर्फ बस स्टैंड में ही हूँ। ये सो गाइज मुझे कंफर्म तो नहीं है कौन सा मिनिस्टर कौन आया हुआ, बट मैं अभी जो ये ट्रैफिक वाले खड़े हैं ना इनसे मैं पूछ के देखता हूँ, कंफर्म करता हूँ कि कौन सा मिनिस्टर के लिए इतनी जय जयकार हो रही है जिन्होंने सब कुछ बंद ही करवा दिया, इनसे पूछूंगा जरूर मैं। सो गाइज फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, 3:30 मैं घर ही आ गया हूँ सीधा, मैं जहाँ जाना था मैं वहाँ गया ही नहीं क्योंकि इतना जाम था। और अब मैंने पूछा वो पुलिस वाले से क्या सीन था, तो वो आज महाराजा हरि सिंह का बर्थडे था ना तो ये सब मिलकर उनका बर्थडे मना रहे थे और हम लोग वहाँ पे पार्टी खा रहे थे, ये सीन था सारा। बहुत रिस्पेक्ट है जी हमारे मन में उनके लिए, बहुत ज़्यादा बर्थडे मनाया उन्होंने बट दुनिया को ट्रैफिक में फंसा के अपना बर्थडे मनाया, चलो कोई बात नहीं क्या करना है, हिंदुस्तान में रहते हैं तो कुछ फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं। चलो अब हम घर पर आए हैं तो मैंने वो भैया को जिनको माल देने जाए उनको कॉल किया कि मैं शाम को एक बार आऊँगा, एक ही बार आऊँगा सिर्फ हो जाए, तो बस अब लंच करने लगा हूँ तो लंच के बाद आपसे मिलता हूँ। सो गाइस अब मैं उस टाइम तो घर चला गया था, फिर लंच करके ना थोड़ी देर सो गया था, तो अब 5 बजे मैं फिर से निकला हूँ वहीं जाने के लिए, और साथ में रेलवे स्टेशन भी जाना था क्योंकि आज थर्सडे, आपको पता ही है कि हर रेलवे थर्सडे को मैं रेलवे स्टेशन जाता हूँ, तो वहीं जाने के लिए निकल रहा था। और अब और उस दौरान बारिश भी होगी और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, और आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया मौसम, बारिश होने के बाद रुक गई है छोटी छोटी आ रही है बट हो गया अच्छा मौसम, देख सकते हो मौसम बहुत बढ़िया मौसम हुआ हुआ इस टाइम, मतलब मज़ा आ गया यार मौसम देख के ना, जो एकदम से ये फ्रेश मौसम हो गया हुआ है। तो उस टाइम आपको बताया मैंने वो हरि सिंह जी का बर्थडे था तो बस वही मना रहे थे लोग इसलिए ट्रैफिक हुई थी, तो अब तो चलो खुल गए सारे रास्ते इसीलिए मैं अभी निकला हूँ। वो तो सामने बाबे वाली माता मंदिर, वहाँ मैंने माथा टेक रहा, और चलो अब जा रहे सीधा रेलवे स्टेशन और छन्नी, दोनों काम एक साथ करेंगे। सो गाइज अभी जो है मैं सीधा अब स्टेशन से सीधा घर पे ही आ गया क्योंकि जल्दी, फिर एक मिनट यार मुझे बता दो, 20 रुपए की लिमिट चार्ज खाली हमने, महंगाई 10 रुपए की 3 गोलगप्पे, 1 रुपए का एक मिलता था इस टाइम पे। सो गाइज अभी जो है ये गोलगप्पे लेके आए घर पे और मैं अभी घर ही आ गया था सीधा वहां से, हो गया क्योंकि बारिश आ गई थी तो बाहर कहीं ब्लॉग बना नहीं, बारिश काफी ज्यादा फास्ट थी तो सीधा अब घर ही आ गया। तो राहुल अभी और हमारे महाराजा हरि सिंह जी का बर्थडे भी आया तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको पता है कि वो बर्थडे मैंने कैसे मनाया, आपने पूरा ब्लॉग देखा ही है पीछे से कि काफी ज्यादा मेहनत की है हमने उस बर्थडे पे। तो बाकी
राहुल चाट खा आया है और हमारे लिए गोलगप्पे घर पे लेके आया है। पापड़ी चाट खाई है बहुत दिनों बाद, ऐसे अंदर से मन किया। आप बीमार तो गाइस मैं अपने लिए आइसक्रीम भी लाया हूं। मैंने से इसको खोला पजामा लिया और राहुल अब तक कुलचे वाला पाई खाना ले लेने से लिया ही नहीं। मुकेश मैडम हां सुबह। तो गाइस गोलगप्पे आ चुके हैं घर पे। सुनिधि जी की फेवरेट डिश है, या डिश नहीं कह सकते हैं, स्नैक्स कह सकते हैं, है ना। इसकी चमकान आ चुकी है उनके चेहरे पर, मुस्कान की चमकान। तो ये देखिए पहले ये चखेंगे पानी, क्योंकि इनका स्टाइल है ना, पहले पानी चख के देखेंगे ये ठीक है या नहीं है, उसके बाद फैसला होगा। एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। हाँ जी कैसा मैडम, ठीक है, पास या फेल? सक्सेस है, पास है ना। ये हमेशा सुनिधि जी जो है ना वो ऐसे ही करती है कि पहले वो चखती है पानी, जहां भी जाएंगे पहले पानी पी के देखना है, अगर पानी ओके हुआ तो गोलगप्पे खाए जाएंगे, नहीं हुआ तो टाइम टाइम फिश। तो अभी गोलगप्पे बन रहे हैं और ये देख रहे हो इतने से गोलगप्पे 40 रुपए के, कितने में टोटल इसमें 12 दर्जन गोलगप्पे आएंगे 40 रुपए के दर्जन। अभी तो तब भी ये ठीक है, आने तो जरा क्या? अगला जमाना महंगाई का, 10 के 2 मिलेंगे। मुझे तो पता कहीं 10 रुपए इतना मिले, 10 के 2 क्या 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 10 के 2 गोलगप्पे कौन देता है? होंगे जिन्होंने थोड़ी अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी कर दी होगी। देखो कैसे गोलगप्पा तैयार हो रहा है। मम्मी की भी फेवरेट, वैसे हर लेडी की फेवरेट चीज़ होती है ना गोलगप्पे, सही बात है। हाँ या ना, देखो खा रहे कैसे मुंह फुला फुला के। और ये देखो ये आज अपने हस्बैंड को पूछ भी नहीं रही कि आपने खाना है या नहीं खाना, बस खाई जा रही है। आपने खाया? कहाँ खाया, बनाओगे तो खाएंगे। तो गाइज अभी हम लोग जो ना ऊपर आ चुके हैं, डिनर वगैरह भी हमने कर लिया है, और आज पूरा दिन ऐसे ही, मतलब समझो कि गाड़ी के अंदर ही रहा हूं मैं पूरा दिन गाड़ी में। और जो डिलीवरी दी ना भाई साहब, नानी याद आ गई मेरे को, गोल 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 घूमा हूं, मतलब इतनी ट्रैफिक में इतना कुछ। ठीक है हरी सिंह जी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हरी सिंह जी, बट यार हमारे लिए दिक्कत हो गई काफी ज्यादा। हम मतलब उनको कुछ बोल नहीं रहे, मतलब उनके लिए कुछ बुरा नहीं बोल रहे, बट थोड़ी दिक्कत हो जाती है यार एक आम जनता को भी कि जो ट्रैफिक के अंदर फंसी है। और बाकी यार सच बता रहा हूं, मतलब माल देने जाने में ना नानी याद आ गई मुझे बहुत ज्यादा। तो चलो कोई बात नहीं। सो अब हम ऊपर आ चुके हैं और सुनिधि जी से आप सुबह से मिलेंगे, तो चलो आपको सुनिधि जी से मिलाते हैं, कुछ बातें इनके साथ भी कर लेते हैं। हाय। हेलो, क्या हाल चाल? सुनिधि जी कहाँ थे आप सुबह से? घर में। तो मैं कहाँ था? अब आज पूरे दिन बाहर थे। मैं फुल ट्रैफिक में फंसा हुआ था, बर्थडे था ना हरी सिंह जी का, तो मैं वो मना रहा था। सुनिधि जी का सीन इतना ही था, तो वो कुछ बोलती नहीं। अच्छा यार मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपने छोटे भाई से, राहुल तो है ही है और भी दो हैं, आपको बताया भी था शायद मैंने, तो मैं आपको आज एक अपने छोटे भाई से मिलवाता हूँ जो मेरा रियल ब्रदर है, जिसको हमने कभी रिवील नहीं किया, बट आज आपको क्योंकि वो थोड़ा झटका हुआ ना इसीलिए, तो आज आपको उससे मिलवाता हूँ, ठीक है। तो अभी सीधा आप उससे मिलो, ठीक है। सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपका? मैं हूँ अभि गुप्ता जी का छोटा भाई और मैं आपसे मिलने को बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। तो हाय गाइस, आई लव यू गाइस। और गाइस मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ यार, कि आज मैं पहली बार कैमरे के आगे आऊँ, मुझे आने नहीं देते थे कैमरे के आगे, तो मैं क्या करता फिर, तो इसीलिए आज मैं कैमरे के आगे आ गया। आज भाई ने मुझे मिला दिया आप लोगों से। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता कि मैं आपको ऐसे ही रोज़ व्लॉग के अंदर मिलूं, ठीक है। तो पहले कमेंट करना अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि मैं रोज आऊँ या नहीं आऊँ, तो उसके बाद ही मैं आगे आऊँगा, ठीक है। सो आज तो ब्लॉग एंड मैं ही करूँगा। सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। सो बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड बाय।